देश भर में लोगों के बीच लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ, जिसे देश भर के लोगों ने बेहद गंभीरता के साथ सुना। जनपद मुरादाबाद में भी तमाम जगह लोगों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना और देखा भी। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मुरादाबाद के कुनरकी में पहुंचकर प्रधानमंत्री के मन की बात सीधा प्रसारण सुना और देखा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी शुद्धिकरण, समावेशी सशक्तिकरण का महायज्ञ चला रहे हैं, जिसमें सबको आहूति देने की जरूरत है। यही मुल्क के बेहतर होगा, वहीं मानवता और सभी मजहबों के लिए भी बेहतर होगा। आज जो है वोटों की ठेकेदारी को विकास की समावेशी में जिस शख्स ने बदल कर सबके साथ और विकास के रास्ते में आगे बढ़ाया है, उसका परिणाम आज देश के सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सियासी शुद्धिकरण और समावेशी सशक्तिकरण का महायज्ञ चला रहे हैं, और इस सियासी शुद्धिकरण और समावेशी सशक्तिकरण के महायज्ञ में हम सबको आहूति देने की ज़रूरत है। यही मुल्क के लिए बेहतर होगा, यही मानवता के लिए बेहतर होगा, और यही सभी मज़हबों के लिए भी बेहतर होगा। आज जो है वो जो वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी में जिस शख्स ने बदल करके और सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया है, उसका परिणाम आज देश के सामने दिखाई पड़ रहा है। आज जो है वो जो लोग आज तक जो है वो चाहे वो बलवाई हों, बाहुबली हों, बेईमान हों, बकैत हों, वो आज तक जो है वो किसी न किसी रूप में कुनबे की हिफाजत में रहते थे, आज जो है वो कानून की हिरासत में है। ये जो है इसका इस ये जो है वो देश के, समाज के सभी वर्गों में विकास का और विश्वास के माहौल को पुख्ता कर रहा है। देखिए, मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरुआत की, उस समय जो है वो लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि एक रेडियो का जो उस समय दूर दराज के इलाकों में तो जो एक बहुत लोकप्रियता थी, लेकिन शहरी इलाकों में, कस्बों के इलाकों में एक तरह से रेडियो लुप्त हो गया था। रेडियो के जो सुनने वाले लोग थे बहुत कम होते जा रहे थे। ये मन की बात ने जहाँ एक तरफ जो है वो एक सरल तरीके से, सामान्य तरीके से सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, वहीं दूसरी तरफ जो रेडियो की महत्व था उसको भी एक बार फिर से उजागर किया है। मदरसों में भी सुन रहे हैं आज मन की बात। जी, आज सभी समाज के सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी हिस्सों में, समाज के सभी वर्गों में मन की बात की लोकप्रियता हुई है। देश का हर हिस्सा जो है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक, हर गांव में, और कुनरकी से लेकर के मुरादाबाद तक, हर गांव में जो है वो आपको सुनाई पड़ेगा। और अगर ये कुनरकी से लेकर के और कलकत्ता तक, कच्छ से लेकर कटक तक, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है वो मन की बात की लोकप्रियता है, तो उसका एक ही कारण है